एग्जाम्पल दोस्तों, यदि आप वेस्टर्न मुंबई वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न मुंबई ने अपना कट ऑफ जारी किया है। तो कट ऑफ जारी करने के बाद लगातार स्टूडेंट्स के क्वेरी जा रहे थे कि यहाँ पे कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा भाग गया है, ओबीसी का 6.5.9 नंबर बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे लगभग 6 नंबर इंक्रीज देखने को मिला है कट ऑफ में। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ होने के बाद स्टूडेंट्स के लगातार डाउट आ रहे थे कि क्या सेकंड डिवी में उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 64.3 कट ऑफ यहाँ पर बना हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर 63 और 64 के बीच में है। तो इस वीडियो में जानेंगे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है, कितना नंबर घट सकता है सेकंड डिवी में, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं, 0.5 नंबर से एससी नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में 0.9 नंबर से नहीं हुआ है, चांस है सर, यहाँ पे 1.63 से नहीं हुआ है एससी कैटेगरी में, ओबीसी 1.52 से रुक गया है, नहीं हुआ है। और दोस्तों इसी प्रकार से कई सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं, सभी कमेंट को हम दिखा नहीं सकते हैं, तो लगातार एक वीडियो बनाना यहाँ पे ज़रूरी हो गया। 0.85 से यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने एक पोल क्रिएट कराया था जो कि कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक पोल में भाग नहीं लिया है और आपके नंबर 63 से 64 के बीच में है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, यह आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, वहाँ पे जाएंगे। देखिए अभी तक 330 स्टूडेंट्स ने वोटिंग किया है, वेस्टर्न मुंबई में कितने लोग ऐसे हैं ओबीसी कैटेगरी से जिनका नंबर 63 से 64 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे यदि आपके 63 से 64 के बीच में नंबर है और नॉट सेलेक्टेड है तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले पे जो है क्लिक करना है, और अगर जो आपके नंबर 63 से कम है तो नीचे वाले पर क्लिक करना है और वोटिंग में ज़रूर भाग लेना है, ताकि इससे पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कितने लोग हैं। यदि हम इस डाटा के अनुसार देखेंगे, 330 स्टूडेंट्स के डाटा के अनुसार ओबीसी में जो कि 63 से 64 के बीच नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि इनका 60% निकालेंगे तो लगभग 198 मतलब लगभग 200 ऐसे कैंडिडेट अभी तक मिल चुके हैं जिनके नंबर 63 से 64 के बीच में है, मतलब यह संख्या बहुत ही ज़्यादा है। एक नंबर के बीच में लगभग 200 लोग अभी मिल चुके हैं। अभी आप यदि देखें हैं आपके नंबर इसके बीच में है तो आपको जरूर वोटिंग करना है, ताकि और क्लियर अंदाजा यहाँ पर लग पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 200 लोग लगभग हो गए हैं। यदि आप बात करेंगे सेकंड डीवी कब तक आएगा, तो चूंकि आपको पता है कि 27 मार्च तक यहाँ पे फर्स्ट डीवी ही चलने वाला है, 27 मार्च तक, 27 मार्च के बाद 15 दिन आ जाएगा पैनल लिस्ट आने में, मतलब यहाँ पे 17 मार्च, उसके बाद 15 अप्रैल तक तो ये लोग फर्स्ट पैनल ही जारी करेंगे। फर्स्ट पैनल आने के बाद ही सेकेंड डीवी आएगा, तो यहाँ पर अप्रैल लास्ट में हो सकता है कि सेकेंड डीवी आ जाए, अप्रैल लास्ट में हो सकता है कि सेकेंड डीवी लिस्ट आपको देखने को मिल जाए। और सेकेंड डीवी में जहाँ तक चांसेस है घटने के, तो पॉइंट में ही नंबर घटने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओबीसी में पॉइंट में ही नंबर घटने के ज़्यादा चांसेस हैं, 0.5 हो सकता है घट जाए, अभी कुछ क्लियर अंदाज़ा लग नहीं पाएगा जब तक फर्स्ट पैनल लिस्ट आ नहीं जाता है। यदि फर्स्ट पैनल लिस्ट में अधिक लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं या फिर अधिक सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो यहाँ पर यह नंबर 1 नंबर तक भी पहुँच सकता है, और यदि कम सीटें ही वैकेंट रह गई तो यहाँ पर कम नंबर ही घटेगा। तो यह तो क्लियर अंदाज़ा तभी लग पाएगा जब यहाँ पे पूरा का पूरा पैनल लिस्ट आएगा। लेकिन हाँ, जितने स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स तो हमें मिल चुके हैं जिनके नंबर 63 से 64 के बीच में है, मतलब यहाँ पे फासला बहुत ही कम है। तो देखिए क्या होता है, और ये चीज़ें निश्चित तौर से आपको पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे। जय जय भारत।